हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आप सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा था, सर ये एडमिट कार्ड कब से हम लोगों को मिलेगा। कुछ विद्यार्थियों का ये भी कमेंट आ रहा है, सर क्या हम लोग एडमिट कार्ड ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों का ये भी कमेंट आ रहा है, क्या सर हम लोग एडमिट कार्ड ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक पहलू पर हम लोग काफ़ी बारीकी से चर्चा करने वाले, तो अंत तक हमारे साथ बने रहना। और यदि आप भी चाहते हैं आपके यूनिवर्सिटी वो कॉलेज के न्यूज़ सबसे पहले आपके तक पहुँचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ विद्यार्थियों का ये भी कमेंट आ रहा है, सर हमारी तैयारी बिल्कुल भी नाक के बराबर है, तो हम एग्जाम में क्या लिखें। तो आप सभी को घबराने की बात नहीं है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए जो है मैंने कुल मिलाकर टॉप 10 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। यदि आप इस टॉप 10 क्वेश्चन को यदि बारीकी से देख लेते हो, तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आज शाम से जो है आप सभी के लिए कुल मिला के सारे प्रश्न लेके आ रहे हैं, और सारे प्रश्न पे जो है काफ़ी गहन अध्ययन के साथ आप सभी के सामने लाने का काम किया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही हम सभी सब्जेक्ट का नोट्स व सेशन दें। और प्यारे दोस्तों, अब बात रहा एडमिट कार्ड को, एडमिट कार्ड पर भी हम लोग काफ़ी बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको PDF भी बिल्कुल निःशुल्क में मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। जी हाँ, सभी सब्जेक्ट के सजेशन का जो है PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्यारे दोस्तों, पहले हम लोग एडमिट कार्ड पर बाद में चर्चा करेंगे, इसके पहले हम लोग कुछ पेपर कटिंग देख लेते हैं। पेपर कटिंग में दिया गया है 20 दिसंबर से आप सभी की परीक्षा होगी, जो कि सभी को पता है। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि कोविड गाइडलाइन का जो है बखूबी से पालन होगा, और साथ ही साथ जब आप सभी एग्जाम हॉल में बैठोगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के पास यानी कि जैसे बैठा करते थे पहले, वैसा नहीं बैठ सकते हैं, डिस्टेंस बना के आप सभी को बैठना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा परीक्षा केंद्र। कुल मिला के 25 परीक्षा केंद्र बनाई गई है विश्वविद्यालय के द्वारा। TNB कॉलेज में जो है SM कॉलेज, सिटी कॉलेज और PNA कॉलेज का सेंटर पड़ने वाला है। इसके बाद मरवाड़ी कॉलेज में SM कॉलेज का सेंटर पड़ेगा, SM कॉलेज में TNB कॉलेज का, TNB लॉ कॉलेज में मरवाड़ी कॉलेज का, SM कॉलेज में DNS कॉलेज भूसिया, और इसके बाद MS कॉलेज का। ठीक है, BN कॉलेज में जो है मुरक्का कॉलेज का, सबर कॉलेज में जो है BN कॉलेज का, और MS कॉलेज में SGM कॉलेज का, मुरक्का कॉलेज में जो है AK गोपाल कॉलेज, RS कॉलेज तारापुर, HS कॉलेज और हवेली खड़गपुर। ठीक है, तो इस प्रकार जो यहाँ पर आप सभी का सेंटर दिया गया है। बात रहा 20 दिसंबर से एग्जाम है और अभी तक एडमिट कार्ड, तो प्यारे दोस्तों एडमिट कार्ड के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। उम्मीद है कि कल या परसों से आप सभी अपना एडमिट कार्ड ले पाओगे अपने कॉलेज में जाकर। जैसे ही एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, हम इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करने का काम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं स्टूडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।